आग की लाइट आ गई। ठीक है, लास्ट टाइम हमने असाइनमेंट नंबर 50, हैंड रिटन शीट नंबर 50 शुरू की थी, वर्क एनर्जी पार। वर्क एनर्जी पार के अंदर हमने एक फॉर्मूला किया था, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, पी फॉर लीनियर मोमेंटम। इसके बेस पे हमने इन क्वेश्चंस को करना था। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन था ये रहा। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%, हमने कर लिया था, नहीं किया था ये, नहीं। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%, तो आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट से इंक्रीज हो गई। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर लीनियर मोमेंटम पहले कितना था, पी, और एनर्जी कितनी थी, ई, तो ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, केस नंबर वन। फिर वो कह रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 20%, इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं कि पी तो होगा ही होगा, 20% ज्यादा हो गया, तो पी प्लस 20% ऑफ पी, तो यानी कि कितना हो गया, 120/100 टाइम्स पी, ये नया मोमेंटम हो गया। तो एनर्जी कितनी हो गई, ई डैश हो गई, तो ई डैश इज इक्वल टू 120/100 इंटू पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। पहले मोमेंटम पी था, अब मोमेंटम 120/100 इंटू पी है, तो पहले एनर्जी ई थी, अब एनर्जी ई डैश है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक तो एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन आ गया, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। आपको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी। अभी एनर्जी कितनी है, ई या ई डैश, पहले कितनी थी, ई, तो ये क्या आ गई, इंक्रीज इन एनर्जी। इंक्रीज इन एनर्जी अपॉन ओरिजिनल एनर्जी ई, तो इंक्रीज इन एनर्जी ई डैश माइनस ई अपॉन ओरिजिनल एनर्जी कितनी, ई इंटू 100, ये आपको निकालना है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी ऐसे ही होगा, दैट इज चेंज इन एनर्जी अपॉन ओरिजिनल एनर्जी इंटू ई इंटू 100। ई डैश की जगह वैल्यू पुट कर लो, 120/100 पी का होल स्क्वायर, ई की जगह पुट करो पी स्क्वायर बाय 2m, सॉरी यहां पर 2m भी आएगा, ई की जगह पी स्क्वायर बाय 2m और इनटू 100। इसे सॉल्व करो प्लीज, पी स्क्वायर कैंसिल, 2m कैंसिल, सॉल्व करके वेरीफाई करो क्या आंसर 44% आ रहा है, चेक करो। तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, समझ में आ रहा है सबको? तो एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक, चेक करो, पी स्क्वायर 2m कैंसल, तो यहां पर आएगा 120/100 का होल स्क्वायर माइनस 1/1, तो सॉल्व करके देखो आंसर क्या आएगा, बता दो तो। आ गया 44%, चेक करो, आएगा 44% आएगा। करने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका भी है, लेकिन प्लीज वो अप्रोक्सीमेट तरीका है, वो स्कूल में या कहीं पर भी लिख के नहीं आना। ठीक, देखो क्या मेथड है, ये क्लियर है यहां पर? देखो, एनर्जी ई क्या है, ई इज पी स्क्वायर बाय 2m, राइट?
मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना 20% है ना, इंक्रीज बाय 20%। तो इसको याद है एरर्स में हम क्या करते थे, डेल्टा पी बाय पी इनटू 100, 20% गिवन है। मेरे को निकालना क्या है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये मुझे निकालनी है, राइट ये मुझे निकालनी है। एक काम करते हैं, एरर्स का चैप्टर याद है, एरर्स के चैप्टर से इसको लिखो, डेल्टा ई बाय ई इज इक्वल टू 2 इनटू डेल्टा पी बाय पी प्लस, ये तो कांस्टेंट है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 100 से दोनों साइड्स को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये मुझे निकालना है और ये मुझे ऑलरेडी गिवन है कितना 20%। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा 40, देखो 44 तो नहीं आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, अंदाजे से ये पता लग जाता है कि इसका आंसर 40% के आसपास ही आएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन बहुत दूर है, मान लो 44%, 64%, 84%, तो फिर अंदाजे से पता है कि 44% का 40% ही आंसर मार्क किया जाएगा, अंदाजा है, पर ये कोई सही मेथड नहीं है क्योंकि परसेंटेज चेंज काफी बड़ा है, 2-3% के लिए तो काम करता है पर 20% के लिए काफी आंसर थोड़ा चेंज करके देगा, पर फिर भी 4 की लाइन में तो ले ही आएगा। तो आपको आइडिया समझ में आ रहा है, करेक्ट मेथड यही है जो भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला सेम है, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m वाला। ठीक, ये क्लियर है यहां तक, बता दो ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि सपोज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 300%, तो कोई मुझे इस चीज का आंसर दे कि अगर एनर्जी अभी ई है काइनेटिक, अगर मैं 300% इंक्रीज करूं तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 ई, मेरे पास एक रुपया था, मेरे को 300% फायदा हो गया, 300%, तो 300 रुपए हो गए, 4e हो गया, यानी कि 4 रुपए हो गए। बिजनेस में कहते हैं एक रुपया लगाया था 100% का फायदा हो गया, तो 2 रुपए हो गए या डबल हो गए, डबल को क्या बोलते हैं, 100% बोलते हैं ना, हाँ ऐसी बोलते हैं, हाँ ना नहीं बोलते, हाँ या ना नहीं बोलते, यस बोलते हैं ना। तो अगर 1 रुपए लगाए और 100% फायदा हो जाए तो 2 रुपए हो गए, ये समझ में आता है, अच्छा 1 रुपया लगाया था मार्केट में और 2 की जगह 3 रुपए हो गए, कितने परसेंट फायदा हो गया, 200% फायदा हो गया, 1 रुपए लगाए थे और 3 रुपए हो गए, कितना फायदा हो गया, 300% फायदा हो गया, गलत है। देखो ई लगाया, ई एनर्जी थी और एनर्जी अगर 4e हो जाए तो 300% है, 4 रुपए पे, यार 1 रुपया तो लगाया ही था, वो तो मेरे अपने ही थे, 4 रुपए जब बनेंगे तो 4 में से 1 गया, तब 3 रुपए बचेंगे मेरे को, तब 3 रुपए फायदा माना जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, 1 रुपए का 4 रुपए बनना यानी कि 3 रुपए का फायदा होना, 300%, राइट। तो ऐसा नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना कि 3 रुपए हो गए तो 300% हो गया, ऐसे नहीं हो रहा, 1 रुपया तो मेरा ही था, तो यानी कि E का अगर 4e हो गया, ये देखो चेंज इतना प्रॉफिट हो गया अपॉन E इनटू 100, चेक करो कितने परसेंट आ रहा है, तो ये आपको परसेंटेज तो मैं नहीं सिखा सकता बट ये समझा सकता हूं कि 4e क्यों हुआ, पॉइंट समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एनर्जी पहले E थी तो
तो अब एनर्जी 300% इंक्रीज करके कितनी हो गई, 4E हो गई। ये समझ में आ गया। आगे अब वो ये कह रहा है कि बताओ कितने परसेंटेज से लीनियर मोमेंटम इंक्रीज हो गया। तो पहले लीनियर मोमेंटम अगर P है और सपोज अब कितने P डैश है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है P डैश माइनस P अपॉन P इंटू 100। निकाल सकते हो, लगाओ फॉर्मूला E इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m वाला सेम। देखो फर्स्ट केस में E और P का रिलेशन बोलो, E इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m, तो P किसके इक्वल आएगा, 2me का अंडर रूट। इसमें बोलो 4e इज इक्वल टू P डैश स्क्वायर बाय 2m, तो P डैश किसके इक्वल आएगा, 2m इंटू 4e का अंडर रूट। समझ में आ रहा है? तो E की टर्म में हमने मोमेंटम को निकाल लिया। कोई डाउट इसमें? हमने क्योंकि क्या निकालना है इसमें, हमने निकालना है P डैश माइनस P बाय P इंटू 100, तो P डैश की जगह क्या पुट करें, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू 4e माइनस अंडर रूट ऑफ 2me बाय अंडर रूट ऑफ 2me इंटू 100। ये निकालना है, तो यहां से अंडर रूट ऑफ 2me कांस्टेंट बाहर आ गया, ये अंडर रूट ऑफ 4 हो गया, ये 1 हो गया, अंडर रूट ऑफ 2me इनटू 100। चेक करो ये टर्म इससे क्या हो गई, कैंसिल। अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2, तो यहां से सॉल्व करके कितने परसेंट आंसर आ गया, 100%। कैसे करना है समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पेपर्स में आता है, इन दो टाइप के न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ जो है एक इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक ऊपर और नीचे वो लेके जाएगा और वो पूछेगा कि अलग अलग वर्क डन्स की वैल्यू बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी ऐसे आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं कि आपको दिखना चाहिए कि वर्क डन कैसे निकालना है। हालांकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। अ बॉडी ऑफ मास 0.3 kg इज टेकन अप द इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर और हाइट 5 मीटर एंड देन अलाउड टू स्लाइड डाउन टू द बॉटम अगेन। तो पहले ब्लॉक को ऊपर लेके गए, फिर ब्लॉक को नीचे आने दिया। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? म्यू आपको गिवन है, यानी कि फ्रिक्शन इसमें पूरे रास्ते में प्रेजेंट है। क्या निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर राउंड ट्रिप, आने और जाने में किसका वर्क डन निकालना है, ग्रेविटेशनल का। मेरा नहीं,
मैंने कितना धक्का मारा, मेरा नहीं, क्योंकि मैंने भी तो, मैंने फोर्स को कहाँ लगाई, ऊपर, मैंने फोर्स को ऊपर लगाया होगा, मेरा वर्क डन नहीं पूछा, ग्रेविटेशनल ने कितना वर्क डन किया। और मुझे ये समझ में आ रहा है कि ब्लॉक ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको डाउनवर्ड लेके आने की कोशिश कर रही है, उसकी वैल्यू बोल लो कितनी है, एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा फोर्स ब्लॉक को नीचे लेके आ रही है, तो ग्रेविटी क्या वर्क कर रही है, ग्रेविटी चाहती है कि ब्लॉक नीचे आए, हर वक्त ये चाहती है नीचे आए, कोई डाउट इसमें? तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा था, नो डाउट मैंने एफ फोर्स लगाई, पर मेरा वर्क डन तो कोई पूछ नहीं रहा, तो मैं एफ को तो इसमें यूज नहीं करूंगा। तो जब मैं ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहा था, तो एम जी साइन थीटा फोर्स कहां लगी थी, ऑपोजिट। तो ग्रेविटी ने, अर्थ की ग्रेविटी ने फोर्स कहां लगाई, एम जी साइन थीटा, नीचे, पर ब्लॉक कहां जा रहा है, ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट का है ऊपर, ग्रेविटी की फोर्स का है नीचे, तो यानी कि वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी चाहती है कि ब्लॉक नीचे आए, लेकिन आप जबरदस्ती उसे ऊपर लेके जा रहे हो। और जब भी आप अगेंस्ट वर्क डन करते हो, आपका वर्क डन कभी पॉजिटिव नहीं आता, आपका वर्क डन हमेशा नेगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स नीचे, आपकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों के बीच में एंगल कितना, 180, इसलिए आंसर नेगेटिव में आएगा। तो जाते हुए जब ब्लॉक ऊपर गया, फोर्सेस एम जी साइन थीटा, ग्रेविटी की फोर्स एम जी साइन थीटा, नीचे डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, एल 10 मीटर ऊपर, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी काम हो रहा है। तो यहां पर मैंने वैल्यूज को पुट किया, और एंगल आप निकाल सकते हो, साइन थीटा इज 5/10, तो यहां से एंगल आएगा 30 डिग्री, गिवन नहीं हम निकाल लेंगे, 30 पुट करके आंसर ये आ जाएगा। माइनस साइन का मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जा रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क डन करेगी वो क्या करेगी, नेगेटिव। लेकिन अगर कोई पूछता है कि मैंने कितना वर्क डन किया, अब मेरा वर्क डन कैसे होता, फोर्स कहां लगती, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहां होती, ऊपर, तो मेरा वर्क डन थोड़ा ना नेगेटिव आता है, मेरा वर्क डन क्या आता, पॉजिटिव। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ग्रेविटी का अगर वर्क डन पूछ रहा है तो वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ब्लॉक कहां जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी। पहला स्टेप क्लियर है? अच्छा चलो, ब्लॉक को अब नीचे आने दो। नीचे आते हुए भी एम जी साइन थीटा कहां करेगा, नीचे, तो ग्रेविटी की फोर्स कहां लग रही है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, नीचे। अब ग्रेविटी जो वर्क डन करेगा वो नेगेटिव नहीं करेगा, ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव। ऑपोजिट जाने में नेगेटिव, अपोजिंग फोर्स नेगेटिव, और अगर साथ आ रहे तो पॉजिटिव। क्लियर? तो फोर्स एम जी साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसमें, अगेन 10, तो ये वर्क डन एम जी साइन थीटा इंटू एल, तो जितना आंसर ऊपर आया था उतना ही आंसर नीचे, लेकिन ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हुआ, जाने का और आने का ऐड करो, नेट आंसर इज 0, तो नेट आंसर 0। कोई डाउट इसमें? किसी स्टूडेंट दूसरे बैच ने मुझे एक और आंसर दिया, वो बोलता है ऐसा करने की जरूरत क्या थी। मैंने कहा वो क्यों, कहता है जहां से ब्लॉक स्टार्ट हुआ वहीं ब्लॉक वापस आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0, तो आंसर इज 0। कितने लोग एग्री करते हैं, बात तो ठीक कह रहे हैं, इतना लंबा करने की जरूरत क्या थी। ओके, मैं आप क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। मैंने कहा एक काम करो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ आने और जाने का कितना है। कुछ नहीं है, आप तो आंसर 0 ही बोल रहे हो ना, तो मैंने क्वेश्चन चेंज किया, मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं चाहिए, मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शन चाहिए। तो आपने कहा तो भी 0। मैंने कहा वो क्यों, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो फिर एक काम करते हैं, ये देखो, ये पहले कर लेते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। जब मैं ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहा था तो बोलो फ्रिक्शन फोर्स कहां थी, नीचे, और जब ब्लॉक नीचे आ रहा था तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां थी, ऊपर। स्लाइड घिसटता हुआ आएगा, फ्रिक्शन ऑपोजिट। तो जब ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे, जब ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट में और फ्रिक्शन में एंगल हमेशा 180। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कभी पॉजिटिव वर्क डन करती ही नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क डन करती है। जब आप ऊपर लेके जा रहे हो तो भी माइनस एफ इंटू एस, जब आप नीचे लेके आ रहे हो तो भी माइनस एफ इंटू एस। एड करके देखो आंसर, देखो 0 नहीं आया। जो लोग बोल रहे थे ना नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाती है, उनका तो कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया। इसका मतलब आप वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, आप क्या करेंगे, आप अलग अलग वर्क डन निकालें और फिर उन्हें ऐड करें। क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, और इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होता है, एम जी कॉस थीटा। सारी वैल्यूज पुट करके आंसर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0,
वर्क डन बाय फ्रिक्शन राउंड ट्रिप का ऐड हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आया? फिर वो कह रहे हैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन अपवर्ड जर्नी। जब मैं ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहा था, अप्लाइड फोर्स का मतलब किसने फोर्स अप्लाई की? मैंने की। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स का मतलब अब वो इसकी बात कर रहा है, इसने कितना वर्क डन किया। तो कितना किया, फोर्स कहां लगा रहा है ऊपर लेके जाने के लिए? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रही है? ऊपर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना? जीरो। तो मेरा वर्क डन तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि मैं तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। कोई डाउट इसमें? क्लियर यहां तक? तो मेरा मैंने कितनी फोर्स लगाई? कम से कम, जब ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो मेरी फोर्स कम से कम एम जी साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जब मेरी कैपिटल एफ की बात होगी तो कैपिटल एफ की जगह एम जी साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये कम से कम मेरी फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एल। ये स्टेप समझ में आया यहां तक कि अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होगी? एम जी साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ऊपर है, एम जी साइन थीटा नीचे है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नीचे है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पुट करो म्यू टाइम एम जी कॉस थीटा, सारी वैल्यूज पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो कब वर्क डन निकालने में कौन सी फोर्स लगानी है, यही इसमें टेक्निक है। और कब नेगेटिव आएगा, कब पॉजिटिव आएगा, ये टेक्निक है। नेगेटिव तो तब आएगा जब वर्क डन हमेशा अगेंस्ट होगा। किया था हमने, अगर कोई रोक रहा है हमें और वो फोर्स हमें रोक रही है ऊपर जाने के लिए, चाहे वो ग्रेविटी की फोर्स है, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स है, चाहे वो कोई भी फोर्स है, अगर अपोजिंग फोर्स है तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है यहां तक? अब वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी निकालो एट द एंड ऑफ द ट्रिप। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि ये बॉडी ऊपर गई थी, ऊपर जाके फॉर एन इंस्टेंट किस पे आ गई थी? एट रेस्ट। तो ऊपर जाने की जर्नी का तो क्या ही डिस्कस करेंगे, नीचे से शुरू करते हैं। ये बॉडी जब नीचे आई तो इसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली v, और मेरे को क्या निकालना है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं आपको v बता दूं मेरा आंसर आ जाएगा। आपको ये डिस्टेंस पता है कितना? 10 मीटर। जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा तो कौन सी फोर्स नीचे एड कर रही है? एम जी साइन थीटा। कौन अपोज कर रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक्सेलरेशन बताओ नीचे आने की क्या है? mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स mg cos थीटा इज मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसमें? तो यहां से थीटा वाला सब पुट करके क्या आ जाएगा? a। फिर आप यहां इसके लिए लगाओगे v इज इक्वल टू u प्लस या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2 इनटू a इनटू 10 मीटर। तो u 0 होगा, सॉल्व करके क्या आ जाएगा? v का स्क्वायर। v स्क्वायर को यहां पुट करेंगे तो क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये वैल्यू आएगी। ये एक लंबा तरीका है, ठीक है, एक लंबा तरीका है। तो ये एक लंबा तरीका है हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी जगह एक काम करते हैं, इसकी जगह हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क डन बाय नेट फोर्सेस। इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय नेट फोर्स होता है, क्योंकि हमने जो प्रूफ किया था वर्क एनर्जी थ्योरम में, उसमें एक ही फोर्स ही है अप्लाइड फोर्स। लेकिन अगर बहुत सारी फोर्सेस हो तो आपने नेट फोर्स लेनी होती है। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो जब कोई बॉडी नीचे, ये मेथड नंबर वन था, ये लंबा तरीका है। छोटा तरीका ये है कि जब भी कोई बॉडी नीचे आ रही होगी तो नीचे कौन सी फोर्स लेके आ रही है? एम जी साइन थीटा। अपोज कौन करेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स क्या होगी? एम जी साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जीरो है, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो सॉल्व करके वर्क डन आएगा, यहां से वर्क डन जो होगा वही काइनेटिक एनर्जी होगी। ऐसे कर लो या ऐसे कर, ये ज्यादा बेटर लगता है मुझे वैसे, वो कई बार नहीं क्लिक करता, कर जाए तो अच्छी बात है, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अगर नहीं करता तो फिर ये तो तरीका है ही, फर्स्ट फाइंड एक्सेलरेशन, देन फाइंड वेलोसिटी, देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी। तो मेथड समझ में आया कि अलग अलग फोर्सेस के अलग अलग वर्क डन होंगे,
ठीक है यहां तक? इसी के बेस पे ये क्वेश्चन प्लीज पढ़ना एक बार। देखो क्वेश्चन के अंदर के गिवन है टू आइडेंटिकल 5 केजी ब्लॉक्स, दो 5 किलो के ब्लॉक्स है, आर मूविंग विद सेम स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईच अदर, पासारे फ्रिक्शनलेस है, पासारे हॉरिजॉन्टल, एंड टू ब्लॉक्स कोलाइड, टक्कर हो जाती है, चिपक जाते हैं एंड कम्स टू रेस्ट, वहीं रुक जाते हैं। तो कोई ये ना समझे कि मैं 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उनको पकड़ के इस तरीके से लेके आ रहा हूं अपने हाथ में, नहीं, मैंने बस छोड़ दिया, फ्रिक्शन तो थी नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड बॉल को वेलोसिटी दी थी, हर वक्त उसमें 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, बात खत्म। ठीक है यहां तक? तो नो एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड, याद है कोलिजन में मैंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब बॉल्स की कोलिजन होती है तो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, वो कह रहे एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करेगा, क्योंकि मैंने तो उसको बस एक बार फोर्स देके छोड़ ही दिया, अब तो मैं फोर्स लगा ही नहीं रहा, तो मेरी तरफ से नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, तो वर्क डन की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। फिर कहते हैं ये बता दो इंटरनल फोर्सेज क्या काम करेंगी, क्योंकि इंटरनल फोर्सेज होंगी आपस में एक्शन एंड रिएक्शन, वो क्या काम करेंगी, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि टोटल जो वर्क डन होता है That is always equal to change in kinetic energy. और change in kinetic energy को क्या लिख सकते हैं, final kinetic minus initial kinetic. Clear है? तो total work done किसके equal होगा? That is जो external ने किया और जो internal ने किया, पर external ने तो किया ही नहीं, तो यहां पर किसका आएगा, सिर्फ internal का। और change in kinetic energy देखें, final kinetic energy दोनों balls की क्या होगी, zero, क्योंकि दोनों की दोनों किस पे आ चुकी है, at रेस्ट, तो फाइनल की जगह जीरो। इनिशियल क्या थी, हाफ एमवी स्क्वायर प्लस हाफ एमवी स्क्वायर, बिकॉज दे वर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो ये रही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों को माइनस किया तो माइनस एमवी स्क्वायर, तो एम पुट करो वी पुट करो, दोनों क्वेश्चन में गिवन है, माइनस 20 जूल का क्या आ गया, इंटरनल वर्क डन आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे यूज की, तो ऐसे नहीं हो सकता इंटरनल का वर्क डन ऐसे ही निकलेगा, इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं होता। तो इसके अंदर क्या करना पड़ता है, ये काइनेटिक एनर्जी ही है जो इसमें क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है, और क्या वर्क डन कर रही है, उन बॉडीज को रोक रही है, रुक गई ना, इंटरनल ने क्या किया, एक्शन रिएक्शन लगाया, बॉडीज रुक गई। माइनस साइन लिखा हुआ है, माइनस साइन ये इंटीग्रेट जो है इंडिकेट करता है दैट इंटरनल फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन act on the two blocks in direction opposite to their motion, मतलब ये balls ऐसे आ रही थी, अगर ये ball ऐसे आ रही है तो ये इसे ऐसे धक्का मारेगा, force internal, और अगर ये ऐसे आ रही है ये इसे ऐसे मार रहा है, और अगर ये ऐसे आ रही है तो ये ऐसे hit कर रहा है, तो direction of motion ऐसे है, internal force opposite है, रोक रही है, रोकने की force कभी positive, रोकने का work done कभी positive नहीं होता, रोकने का work done नेगेटिव होता है, रेजिस्टिंग मैंने बोला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव है, तो जो जो फोर्स बॉडी को रोकेगी रेस्ट पे लाएगी
वो नेगेटिव वर्क डन करेगी, और इंटरनल फोर्स क्या कर रही है, एक दूसरे पे धक्का मार के इन दोनों ब्लॉक्स को उस पे ले आई है एट रेस्ट। तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, पॉजिटिव कैसे आएगा? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो क्लोज करते हैं इस असाइनमेंट को 51 को और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट 51। इसकी नंबरिंग करो, ये असाइनमेंट पोटेंशियल एनर्जी की, दैट इज 51। नंबरिंग करते जाना फाइल में, नहीं तो गुम जाओगे कि कौन सी असाइनमेंट पहले कौन सी बाद में, मेरे को नहीं पता लगता। अगर मैं कंप्यूटर में नंबरिंग ना करूँ ना और मेरे को आप ऐसी दे दो, मैं जोड़ नहीं पाऊंगा कि कौन सी पहली असाइनमेंट है कौन सी बाद में। तो आप अपना तो सोच ही लो, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी सुनने में बहुत आसान, क्या है एनर्जी? MGH। नहीं, अभी तक तो यही किया, MGH होती है, लेकिन आज का लेक्चर आप मानोगे नहीं, सिर्फ MGH के ऊपर ही है। टाइम खत्म हो जाएगा, ये शीट खत्म नहीं होगी, सिर्फ MGH ही होता रहेगा, ठीक। तो देखो इसको लिखने का समझाने का क्या तरीका है, फिजिक्स वाले लोग कैसे समझाते हैं चीजों को, इसको एक बार समझते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी is the energy stored in a body or a system by virtue of its position in a field of force or by its configuration। मैं कहता हूँ इससे मुश्किल डेफिनेशन नहीं हो सकती पोटेंशियल एनर्जी की, पढ़ के देख लो। अब समझ के करना तो ईजी है। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है? पहला, वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड में, ग्रेविटी का फील्ड क्या कहता है, आप कि पत्थर नीचे ही आए, हर चीज को वो नीचे खींच रही है, ग्रेविटी की फोर्स नीचे है, और आप इन अ फील्ड ऑफ फोर्स, फील्ड चाहता है कि आप नीचे जाओ, लेकिन आप फोर्स कहां लगा रहे हो, उसके ऑपोजिट, पत्थर को उसके ऑपोजिट लेके जा रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। जो वर्क डन होगा वो स्टोर हो जाएगा उसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन तो है ही है, जिस पोजीशन पे आप पत्थर को लेके जाओगे उतनी एनर्जी उसमें भरती जाएगी। और बाय इट्स कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन वर्ड कैसे यूज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, जैसे आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने एक टॉय लिया, उसमें चाबी दी, वो टॉय थोड़ी देर में भागेगा, छोड़ दोगे तो। क्यों? वो चाबी देने का मतलब अंदर स्प्रिंग फोल्ड होता जाता है, स्प्रिंग लपेटते जा रहे हो, बड़ा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। जब वो स्प्रिंग खींच खींच के आपने पूरा टाइट कर दिया और खींच नहीं सकता, छोड़ दो, तो स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगा, वो जैसे ही अनफोल्ड होगा टायर घूमने स्टार्ट हो जाएंगे, ट्वाय मूव करना स्टार्ट हो जाता है। तो यही लॉजिक है, बस उसमें कुछ नहीं है, उसमें स्प्रिंग ऐसे लगे होते हैं, स्प्रिंग को चाबी दे के आप बड़ा कर देते हो, फिर वो छोटा हो जाता है, ठीक, यही लॉजिक है। तो इसको बोलते हैं आपने स्प्रिंग की कॉन्फिगरेशन चेंज कर दी, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे था, आपने उसको बड़ा कर दिया या कंप्रेस कर दिया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज की, तो स्प्रिंग, तो ठीक बोला उसने, पोटेंशियल एनर्जी या तो पोजीशन की वजह से है या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली स्प्रिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम म्यूचुअल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, ठीक।
तो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजिशन, पोजिशन की वजह से. मैंने आंसर दिया अ बॉडी लाइंग ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग हैज सम पोटेंशियल एनर्जी. छत पे पत्थर रखोगे ग्राउंड से ऊपर उठा के, तो उसको वर्क डन किया होगा आपने उसको ऊपर रखने के लिए, वो जो वर्क डन है उसमें भर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. और ऐसी एग्जाम्पल है कॉन्फिग्रेशन, टॉय वाला एग्जाम्पल दिया, स्प्रिंग को वाउंड कर दिया, घुमा दिया, पोटेंशियल आपने वर्क डन किया, पोटेंशियल एनर्जी भर गई उसमें स्प्रिंग एनर्जी, अब वो खुलती जाएगी और टॉय मूव करता जाएगा और वो पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी किसमें कन्वर्ट होती जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक, दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर हैं. टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी के दो टाइप्स पढ़े थे, या तो पढ़ा था हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या फिर इलास्टिक, लेकिन एक्चुअल में तीन होती हैं, प्लस वन में दो हैं, प्लस टू में एक है. तो प्लस वन के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटी की वजह से. कैसे? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू बॉडीज विच अट्रैक्ट वन अनदर. ये अर्थ और वो पत्थर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पर आप अगेंस्ट अट्रैक्शन पत्थर को ऊपर उठाते हो, तो अगेंस्ट अट्रैक्शन उठा रहे हो, आपको वर्क डन करना पड़ेगा. वो जो हाइट अटेन कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो, वो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ये क्यों अराइज होती है? स्टेट ऑफ कंप्रेशन या एक्सटेंशन. तो या तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा या एक्सपैंड होगा, तो कंप्रेस होगा या एक्सपैंड होगा तो उस केस में एनर्जी भर जाएगी, उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. तीसरी एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस. ये चार्जेस की वजह से होती है जो प्लस टू में स्टडी किया जाएगा. जैसे दो पॉजिटिव चार्ज है, वो पास नहीं आना चाहते पर जबरदस्ती आप उन्हें पास लेके आ रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन. छोड़ के देखो वो वापस चले जाएंगे, उनमें क्या भर गई? एनर्जी. हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, राइट? पर हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, प्लस टू में करेंगे, अभी बस उन दोनों को करेंगे. ठीक, तो वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और इसकी बढ़िया डेफिनेशन लिखी इसने, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस. सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आप अगेंस्ट ग्रेविटी काम करते हो, उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला जाएगा. क्लियर है? एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन में लेट अस सपोज ये ब्लॉक है, आपने एच हाइट पे रख दिया, आपने वर्क डन कितना किया? ये वर्क डन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं. इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान से देख लो. मैंने वर्क डन किया कि ग्रेविटी ने वर्क डन किया, इनमें फर्क होता है. जैसे मैंने एक ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक का वेट क्या था? mg. ठीक, मैं इस ब्लॉक को ऊपर ले गया, कितना ऊपर ले गया? एट अ हाइट ऑफ h. तो मैंने क्या लगाई होगी इसके ऊपर? फोर्स. कितनी लगाई होगी? mg. ये फोर्स किसने लगाई? मैंने लगाई. ग्रेविटी कितनी फोर्स लगा रही है? mg. वेट जो फोर्स है वो ड्यू टू क्या होता है? ग्रेविटी. कोई डाउट इसमें? तो ग्रेविटी फोर्स mg लगा रही है, मैंने फोर्स F लगाई. तो अब अगर आप मेरा वर्क डन पूछो, मैंने कितना वर्क डन किया? मैंने, तो मैं फोर्स अपनी लूंगा F. कहां? डायरेक्शन बोलो, ऊपर. डिस्प्लेसमेंट कहां है? ऊपर. एंगल बिटवीन देम इज 0. तो दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल. लॉजिक क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा? F की जगह m इंटू g इंटू h. ये वर्क डन मैंने किया. फिर से इस ब्लॉक को मैंने ऊपर उठाना है, फोर्स कैसे लगाऊंगा? ऊपर. कितनी लगाऊंगा? जितना बॉडी का वेट है. फोर्स ऊपर लगाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो जाएगी. एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 0. इधर नहीं देखना अभी आपने, मेरी फोर्स है ना, तो मेरी फोर्स को देखो, F को. 0 हो गया, आंसर आ गया. लेकिन अगर अब कोई कहता है कि मेरे को तो ये बताओ कि ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, अब ग्रेविटी तो चाहती नहीं कि ब्लॉक ऊपर जाए. ग्रेविटी की फोर्स के लिए अब इसको भूल जाओ. अब ग्रेविटी फोर्स हमेशा कहां लगाती है? ग्रेविटी तो ऊपर लगाती नहीं, ग्रेविटी तो नीचे लगाती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है? ऊपर. तो ग्रेविटी की फोर्स कितनी है? mg. डिस्प्लेसमेंट कितनी है? h. और एंगल क्या हो जाएगा? 180. फर्क हो गया ना, कि जो
ग्रेविटी ने जो वर्क डन किया वो चाहती है कि ब्लॉक नीचे आए, आपको लगता नहीं ग्रेविटी अपोज कर रही है आपको, ग्रेविटी अपोज कर, तो अपोजिशन का वर्क डन कभी पॉजिटिव आता ही नहीं, अपोजिशन का वर्क डन नेगेटिव आता है। तो ग्रेविटी से पूछो तूने कितना वर्क डन किया, तो ग्रेविटी कहेगी माइनस एम जी एच। देखो देखने के नजरिए में फर्क है, मेरा वर्क डन तो पॉजिटिव है पर ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव है। अच्छा अब एक काम करते हैं, ब्लॉक को नीचे ले आते हैं। अब अगर ब्लॉक को लेट अस सपोज ऊपर से नीचे लेके आए, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है एच। चलो एक काम करते हैं, मैंने फोर्स लगाई नीचे की तरफ एम जी, मेरा वर्क डन तो हर हालत में पॉजिटिव है ना, क्योंकि मैं अगर अपना एक्सटर्नल की बात करता हूँ तो मैं फोर्स कहाँ लगाऊंगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी नीचे, तो मेरा एक्सटर्नल वर्क डन भी क्या होगा पॉजिटिव। मेरा तो वर्क डन ऊपर जाने में भी पॉजिटिव है, नीचे आने में भी पॉजिटिव है, क्लियर है। पर ग्रेविटी का वर्क डन देखो, ग्रेविटी का वर्क डन नीचे आने में क्या होगा, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट नीचे एंगल कितना जीरो, तो आंसर क्या आएगा mg पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसे हो गया, क्योंकि ग्रेविटी चाहती है कि ब्लॉक नीचे आए, वो हेल्प कर रही है, तो वर्क डन पॉजिटिव। ऊपर जाते हुए ग्रेविटी क्या चाहती थी कि ब्लॉक ऊपर ना जाए, तो वर्क डन नेगेटिव, क्लियर है। तो जब ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं और ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है, मेरा नहीं, मेरा तो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि जिस तरफ मैं फोर्स लगाऊंगा डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ हो जाएगी, मेरा नहीं। ग्रेविटी का वर्क डन ऊपर जाते वक्त नेगेटिव क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स नीचे है, मेरी डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, और वही ब्लॉक जब ग्रेविटी में नीचे उतरेगा तो ग्रेविटी की फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्क डन पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है यहां तक। तो अगर सिर्फ ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी का वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जाएंगे तो नेगेटिव, और फेवर ऑफ ग्रेविटी में आएंगे तो पॉजिटिव, अमाउंट विल रिमेन सेम एम जी एच और माइनस एम जी एच। तो एक बात बताओ, अगर ये ब्लॉक को एच डिस्टेंस ऊपर लेके गया तो ग्रेविटी ने कितना काम किया, माइनस एम जी एच, ग्रेविटी ने, मैंने तो एम जी एच किया, ग्रेविटी ने माइनस एम जी एच किया, और नीचे आते हुए ग्रेविटी ने एम जी एच किया, तो टोटल वर्क डन राउंड द ट्रिप में ग्रेविटी ने क्या किया जीरो, जाने का और आने का जीरो, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। और अब मानोगे नहीं, मैं एक घंटा सिर्फ यही बोलता रहूंगा, बस यही बोलता रहूंगा कि नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन ग्रेविटी जीरो करेगी, अलग अलग तरीकों से, ठीक। आज का लेक्चर इतना ही है, बस एक लाइन में समझा दो, ओके डन, समझ में आ गया, और डीप चले जाओ आपको यार चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी लगती हैं, ठीक। देखते हैं और अंदर चलते हैं, और डीप में चलते हैं। अगेंस्ट ग्रेविटी रोक रही है आपको, ठीक है, ठीक है, करें आगे। देखो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी में सपोज करो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक एच डिस्टेंस ऊपर आपने उठाना है। आप एक काम करो, पहले डिसाइड कर लो वर्क डन कौन करेगा, मैं ही करता हूँ, ग्रेविटी तो नहीं चाहेगी कि पत्थर ऊपर जाए, मेरे को ही करना पड़ेगा। लेकिन याद रहे जितना मैं काम करूँगा वो इस ब्लॉक में भर जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सेव हो जाएगी, करें। तो मैंने इस ब्लॉक को ऊपर उठाने के लिए फोर्स कितनी लगाई एफ, कहाँ लगाई ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी ऊपर, ये फोर्स मेरी फोर्स है तो एंगल दोनों के बीच में जीरो। फोर्स मैंने कम से कम कितनी लगाई, जितना बॉडी का वेट है इनटू एच, कॉस जीरो वन होता है, तो आंसर क्या आया एम जी एच, ये मैंने वर्क डन किया। ग्रेविटी का तो नेगेटिव होता है पर मैंने कितना किया एम जी एच, ये वर्क डन स्टोर हो गया बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या लिखेंगे यहाँ पर, यू बड़ा यू, तो बड़ा यू का फॉर्मूला एम जी एच, जो आपको ऑलरेडी पता है। पॉइंट समझ में आया यहां तक। अब इंपॉर्टेंट है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। शायद मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसकी डेफिनेशन बता दी थी, बस मैंने इतना बताया था कि अगर मैं
किसी भी ब्लॉक पे या बॉडी पे वर्क डन करता हूँ और उस बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आता हूँ, तो अगर वो वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो समझो वो फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव। और अगर वो पाथ पे डिपेंड करेगा तो समझो वो फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। जैसे अगर सपोज मैं एक ब्लॉक को एक यहां से यहां लेके आता हूं, और मैंने एग्जांपल भी दिया था, मैं सीधा लेके आ रहा हूं या मैं मोड़ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लेके आ रहा हूं, वर्क डन की वैल्यू मान लो हर हालत में सेम है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा कि ग्रेविटी की फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव। ठीक, अगर वर्क डन हर केस में क्या आता है? सेम, और मैटर नहीं करता कि आप किस रास्ते से लेके आए हो। लेकिन मैंने साथ ही एग्जांपल दिया था फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन में अगर आप एक ब्लॉक को यहां से यहां लेके आ रहे हो, आप वर्क डन कर रहे हो अगेंस्ट फ्रिक्शन, आप लंबे रास्ते से लेके आ रहे हो, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। तो यानी कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव है, और वो पाथ पे डिपेंड करेगा, राइट? वो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो रास्ते पे भी डिपेंड करेगा। जितना लंबा रास्ता होगा उतनी आपको वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। या फिर फ्रिक्शन नहीं लेना तो विस्कस लिक्विड ले लो, कोई विस्कस गाढ़ा लिक्विड है, उसके अंदर तैरते जा रहे हो, इधर से उधर जाना है, वर्क डन कम लगेगा, घूम के जाओगे वर्क डन, भाई अगेंस्ट काम कर रहे हो ना, जब अगेंस्ट काम होता है तो वर्क डन ज्यादा लगता है जितना लंबे रास्ते से आएंगे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो कंजर्वेटिव फोर्स से स्टार्ट करते हैं। अब फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है, फोर्स कंजर्वेटिव मानी जाएगी इफ द वर्क डन बाय द फोर्स, अगर वर्क डन बाय द फोर्स, वो फोर्स अगर वर्क डन करे इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल, पार्टिकल को हिलाने के लिए वर्क डन करे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बॉडी को लेके जाए, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, ये अंडरलाइन कर लो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बट डिपेंड्स अपॉन ओनली द एंड पॉइंट, सिर्फ शुरू और आखिरी के एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करे और रास्ते पे डिपेंड ना करे, तो उस केस में उन फोर्सेस को क्या बोला जाएगा? कंजर्वेटिव, राइट? तो सबसे बेस्ट एग्जांपल कंजर्वेटिव का ग्रेविटी की फोर्स, तो हमने लास्ट टाइम भी किया, आज यही करेंगे फिर से। तो इसके लिए उसने, देखो एक ना लिखने का तरीका होता है किसी भी चीज को, इनफॉर्मल तरीके से, तो ना तो कोई नंबर देने वाला है आपको और ना ही कोई किताब आपको मिलेगी जो ऐसी बता देगी ये MGH लिख लो कंजर्वेटिव हो गया, इतनी इनफॉर्मल तरीके से कोई, तभी तो लोगों को मुश्किल लगती है फिजिक्स पढ़ते हैं तो वो दिमाग में घुसती नहीं है ना, स्टेटमेंट भारी भारी ऐसी लिखी होती है, तो क्योंकि लिखने का एक स्टाइल है, और ऐसा नहीं है कि वो स्टाइल सिर्फ यहीं तक चलता है, आप और इंजीनियरिंग के अंदर मेडिकल के अंदर जाओगे टर्म्स चलती हैं, उन टर्म्स में ही बात करते हैं मेडिकल के लोग, टेस्ट करवाओ रिपोर्ट आती हैं, वो रिपोर्ट की कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको नहीं शायद डॉक्टर को ही समझ में आती हैं, अब डॉक्टर इनफॉर्मल तरीके से आपको समझा देता है कि इसका मतलब ये होता है जी, ये इंडिकेशन है कि ये बॉडी के अंदर ये चीज़ ख़राब है या ये चीज़ सही है, वो आम भाषा में बात करता है, लेकिन उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो उनको वही टेक्निकल लैंग्वेज सिखाई जाती है। उसी तरीके से इंजीनियरिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है, टेक्निकल फॉर्म है, एक टेक्निकल तरीके, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे वही स्टैंडर्ड चलते हैं, आप यहाँ पढ़ लो, आप किसी और कंट्री में जाके पढ़ लो, लैंग्वेज यही रहेगी, राइट? हम अपनी लैंग्वेज में समझा तो देंगे, इजी लैंग्वेज में बात तो समझ में आ जाएगी, बोल तो दिया ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव है, मैं तो प्रूव भी कर चुका, इनफॉर्मल तरीका सबसे आसान था, ये देखो इधर गया ब्लॉक, इधर गया खत्म हो गया, लेकिन फॉर्मल तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि जब आप किताब पढ़ेंगे आपको किताब समझ में आए, ठीक? तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया, बुक का ही एग्जाम्पल लिया, जैसे ए से लेके बी तक आपको जाना है, दो रास्ते हैं, आप फर्स्ट रास्ते से जाओ, आप सेकेंड रास्ते से जाओ, वन एंड टू, क्लियर है? अब इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव, फोर्स कंजर्वेटिव है, तो मैं फोर्स लगाऊंगा अगेंस्ट कंजर्वेटिव होगी, ऑब्वियसली मैं फोर्स या इन फेवर ऑफ कंजर्वेटिव होगी, मतलब जैसे इमेजिन करो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूं और ब्लॉक को ए से बी पे लेके आ रहा हूं, चाहे इस रास्ते से लेके आऊं चाहे इस रास्ते से लेके आऊं, इसका मतलब दो रास्ते हैं, ठीक? मतलब कंजर्वेटिव का मतलब आपने फ्रिक्शन इमेजिन नहीं करना जिसमें पाथ मैटर करता है, आपने
कंजर्वेटिव की बात करनी है, पाथ मैटर नहीं करता। तो इसमें दो रास्तों से आप किसी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले गए, पर इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लेना, एफ इज कंजर्वेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर एफ कंजर्वेटिव है तो डेफिनेशन कंजर्वेटिव की पता है क्या बोलती है, आप वर्क डन ए से लेके बी तक करें, चाहे पाथ वन से करें, आप ए से लेके बी तक करें चाहे पाथ टू से करें, आंसर क्या आएगा, सेम। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, मतलब डेफिनेशन समझ में आ रही है कि क्या है कंजर्वेटिव को लिखना कैसे है, वर्क डन की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली सेम, ठीक। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आप ए से बी पे बॉडी को लेके गए, फिर आप बी से ए पे लेके आए, ठीक, उल्टा कर दिया, उसमें ए से बी दो रास्तों से सेम, इसमें वापस लेके आ रहे हैं, इसमें यहां से यहां या यहां से यहां, इसमें यहां से यहां और फिर वापस, ठीक। तो ये ध्यान से देखना है स्टेप जो मैं अब दिखाने जा रहा हूं, इसके अंदर कितने लोगों को ये समझ में आता है, ये कुछ नहीं है, यहां से वर्क डन फ्रॉम ए टू बी थ्रू पाथ टू ये लिया मैंने, ये रहा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन फ्रॉम बी टू ए फ्रॉम पाथ टू। भाई अगर आप सेकेंड पाथ से जा रहे हो और सेकेंड पाथ से ही वापस आ रहे हो तो दोनों के वर्क डन में माइनस का फर्क आएगा ही आएगा। किसने कहा नहीं समझ में आया, भाई कोई बात नहीं, फिर इनफॉर्मल तरीका से ही, सिंपल तरीका, इसका मतलब जैसे एक ब्लॉक है, सिंपल तरीका, ये पाथ टू है और मैं ब्लॉक, और मान लो ये फोर्स कंजर्वेटिव है और ग्रेविटी की फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, राइट। तो ये ग्रेविटी की फोर्स है, तो मान लो मैं यहां से यहां जाता हूं, ऊपर लेके जाता हूं, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आती है, माइनस एमजीएम, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो कितना आया था अभी आंसर, माइनस एमजीएच। और अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की बजाय उसी पाथ से नीचे लेके आता हूं तो क्या आएगा, प्लस एमजीएच। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जाने और आने के बीच में जो वर्क डन है उसमें साइन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स तो चेंज होगी नहीं, एक तरफ आपको अगेंस्ट जाना पड़ेगा, एक तरफ आपको फेवर में जाना पड़ेगा, कोई डाउट इसमें। तो यानी कि ठीक लिखा कि अगर आप यहां कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं और आप ए से बी तक जाते हो या आप उसी रास्ते से बी पे ए पे आते हो तो साइन माइनस लगेगा, ठीक है यहां तक। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर वन कर लो इसे, इक्वेशन नंबर वन, ये सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड जब करेंगे, इधर ध्यान से ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म इसमें ऐड होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जब आप ऐड करेंगे तो ये वाली राइट पे और ये वाली लेफ्ट पे, ये इक्वेशंस आपस में कैंसिल, देखो सेम है ना, सेम लिखा हुआ है, तो आपस में कैंसिल, तो यानी कि ये वाली टर्म इसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल कर दी, दैट इज वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अलोंग पाथ वन इज इक्वल टू माइनस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अलोंग पाथ टू। इसका मतलब ये ट्रू है कि आप ए से बी पे जाते हैं या आप बी से ए पे आते हैं तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, साइन सिर्फ माइनस का फर्क होगा। बात उसने सिर्फ यही समझाई कि आप ऊपर गए और नीचे आए, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, लिखने का तरीका देख लिया क्या हुआ, वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग है, बात का मतलब तो यही है। नहीं, आपको पसंद नहीं आता वो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं, किसी को पसंद नहीं आता, ठीक। आज का लेक्चर ही है, बाकी सब नॉर्मल है, नॉर्मल चलती है, कुछ कुछ लेक्चर की पोटेंशियल एनर्जी जहां आएगी ना उसकी डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स होती है, पोटेंशियल एनर्जी कॉम्प्लेक्स है तो अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल ईजी है, ये पहला टॉपिक है जिसकी थ्योरी कॉम्प्लेक्स है और न्यूमेरिकल ईजी है, अदरवाइज न्यूमेरिकल लोगों को थोड़े एप्लीकेशन टाइप ज्यादा होता है, थ्योरी जल्दी समझ में आती है, बट इसमें ऐसे ही चलेगा, कुछ देर ऐसा चलेगा, बाकी तो ठीक है। इसमें पॉइंट समझ में आया यहां तक, तो कैसे उसने रिप्रेजेंट किया, और एक अच्छी बात ये,
आपसे कोई नहीं पूछेगा इसे प्रूफ करो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ऐसे ऐसे बुक्स में लिखा हुआ है, आपको ये पेपर में नहीं आएगा। पर अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है आपको प्लस माइनस का फर्क क्या होता है? तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये याद भी करना है, आपको कुछ नहीं याद करना, जो याद करने वाला है मैं मार्क करवा दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, इस स्टेप को इधर ले चलते हैं। तो टोटल वर्क डन ए से बी जाने का और बी से ए आने का, टोटल वर्क डन का सम क्या आ गया? जीरो। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ का मतलब जाना और आना, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज जीरो। ये तो एक लाइन में वैसे समझ में आ गया था कि अगर एक ब्लॉक को ऊपर और नीचे लेके आते हैं तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन ग्रेविटी क्या करती है? जीरो। तो ठीक है, क्लोज पाथ में आंसर जीरो। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो हो तो एक लाइन में समझ में आ गया था, बट ये भी समझ में आ गया। तो एक रिजल्ट बन गया, रिजल्ट ये है। ये रिजल्ट तब ही वैलिड है जब फोर्स की नेचर क्या है? कंजर्वेटिव। अगर फ्रिक्शन होती, आज न्यूमेरिकल में किया था, आंसर जीरो नहीं आया था, जब इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी को ऊपर लेके गए थे फिर नीचे लेके आए थे, जीरो आंसर नहीं आया था। लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट आंसर जीरो आया था, याद है न्यूमेरिकल किया था आज, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स क्या थी? कंजर्वेटिव, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंजर्वेटिव नहीं है। तो आपने नोट किया राउंड द ट्रिप ग्रेविटी का वर्क डन जीरो और फ्रिक्शन का वर्क डन नॉन जीरो। तो एक रिजल्ट बन गया, रिजल्ट ये है, फोर्स इज कंजर्वेटिव। फोर्स को क्या माना जाएगा? कंजर्वेटिव। इफ वर्क डन बाय द फोर्स इन अ मूविंग अ पार्टिकल अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। मतलब अगर मैं आपको ये कहूं कि यहां पर कोई ना फोर्स है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रही है, मुझे पता नहीं कौन सी फोर्स है, पर मैंने क्या किया, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को जब यहां से यहां रखा ना, मेरा नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन जीरो ही आ गया। तो इसका मतलब किसी ने कहा कि पक्का फोर्स की नेचर क्या होगी? कंजर्वेटिव होगी। तो क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव का वर्क डन हमेशा जीरो ही आएगा, ये डेफिनेशन है, ठीक? तो पॉइंट समझ में आया यहां तक, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंटेशन डेफिनेशन बनाई गई है। वो नहीं चलता इसमें, हाँ सिर्फ कंजर्वेटिव में चलता है, नॉन कंजर्वेटिव मतलब वो कह रहा है कि कंजर्वेटिव में ऐसे बोल दें नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो है, कंजर्वेटिव में बोल सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव में नहीं बोल सकते, शॉर्टकट है, जैसे मर्जी याद कर दे, आंसर जीरो बोल रहे हैं तूने यार। मैं कहता हूँ याद ही कर ले, कंजर्वेटिव में नेट, वो तो बुक वाला तो याद ही करा रहा है, वो कह रहा है याद ही कर लो यार, कंजर्वेटिव है तो नेट वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो ही होगा, बात ही खत्म है, ठीक? ठीक है, इंटरेस्टिंग था। Prove that gravitational force is conservative. कि ग्रेविटी की जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, प्रूव कर दो, ये टिक मार्क करो, ये आपके स्कूल में आएगा, प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। यहां से मतलब एक्चुअल चीजें आएंगी, तो एक तो ये मार्क करो, ठीक, लिख लेना फॉर एनसीईआरटी। वैसे मैं लिस्ट भी दूंगा आपको एक और फाइनल, सितंबर से पहले भी दे दूंगा, इस हफ्ते आपको पूरे टॉपिक्स बना के दूंगा ताकि कुछ छूट ना जाए आपसे, एक पहले भी दी थी, एक एडवांस और दे दूंगा और टॉपिक्स ऐड करके जो मेरे दिमाग में आएंगे, ठीक। मैं भी नेक्स्ट टाइम ही कोशिश करता हूँ ताकि टेस्ट के लिए भी आपको हेल्प, संडे का जो टेस्ट है उसमें हेल्प हो जाएगा ना, वो टॉपिक सारे करके आना, ठीक। प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेज कंजर्वेटिव में, ये देखो
सपोज ये हमने एग्जांपल किया हुआ है, मैं क्या करूंगा, ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव है ना, मैं इसमें एक ब्लॉक को उठाऊंगा, यहां से यहां रख दूंगा, मैं वर्क डन करूंगा, कोई बात नहीं, मैं करूंगा तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि कंजर्वेटिव डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर आपने भी अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स काम कर लिया तो भी आपका भी जो वर्क डन होगा वो इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट? तो ग्रेविटी की फोर्स हमेशा नीचे है, मैंने इस बॉक्स को उठाने के लिए फोर्स कहां लगाई, ऊपर, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहां है, ऊपर, ठीक, ये मैंने वर्क डन करना है, तो ऊपर उठाने में मेरा वर्क डन पॉजिटिव आएगा, प्लीज ग्रेविटी का वर्क डन नहीं कैलकुलेट हो रहे, किसका कर रहे हैं, मेरा कर रहे हैं, तो मैंने इस बक्से को उठाया और फोर्स कहां लगी, सीधा लेके गए, जब डायरेक्टली ए से बी लेके जा रहे हैं तो फोर्स ऊपर लगी, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, एंगल जीरो, फोर्स कितनी लगाई मैंने, कम से कम mg, तो आंसर क्या आ गया, mgh, ठीक है, यहां तक mgh। अब एक काम करते हैं, मैं ए से लेके सी से लेके डी से लेके ई से लेके बी तक बॉक्स को लेके गया, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना है तो ग्रेविटी की फोर्स कहां है, नीचे, और अगर मैं किसी भी सामान को उठा के ऊपर लेके जा रहा हूं और मूव हॉरिजॉन्टल कर रहा हूं तो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या होगा, 90, तो वर्क डन क्या काउंट होगा, जीरो। इसीलिए हॉरिजॉन्टल सीडी का वर्क डन और बीई का वर्क डन क्या आएगा, जीरो, ये तो जीरो ही आएगा, ठीक, लेकिन एसी का तो आएगा, एसी का क्या आएगा, फोर्स इंटू एसी इंटू कॉस जीरो, फोर्स की जगह एमजी, और डीई का क्या आएगा, फोर्स इंटू डीई इंटू कॉस जीरो, यानी कि एमजी इंटू डीई, ठीक। तो आपने इसका वर्क डन निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया और इसका निकाल लिया, सारे वर्क डन को ऐड करें, सारे वर्क डन को ऐड किया तो दो वर्क डन तो जीरो ही आ गए जो हॉरिजॉन्टल थे, और वर्टिकल वालों को जब ऐड किया, एमजी कॉमन, एसी और डीई का सम वापस से एच आ गया, तो आंसर एमजीएच आएगा, जैसे हमने क्लास में लास्ट टाइम किया था, सेम है। तो यानी कि चाहे मैंने काम किया ए से लेके बी तक बॉक्स को उठाने में अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, तो भी मेरा वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरा केस हो गया। तीसरा केस, तीसरे केस में इंक्लाइन प्लेन से लेके जाएंगे, हमने किया था ये भी डिस्कस, इंक्लाइन प्लेन से अगर बॉक्स को ऊपर लेके जा रहे हैं, मैं लेके जा रहा हूं तो फोर्स कहां लगा रहा हूं, यहां पे, डिस्प्लेसमेंट भी कहां पर है, यहीं पर। तो एक काम करते हैं, फोर्स कहां पर है, F ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, S ऊपर, F और S में एंगल क्या है, जीरो, और मैं कम से कम फोर्स क्या लगाऊंगा, mg sin थीटा, sin थीटा इसमें किसके इक्वल है, h डिवाइडेड बाय s, s से s कैंसिल, आंसर फिर से mgh। तो अगर स्कूल में आएगा प्रूव करो इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो आप ये तीन केस लिख सकते हो, काफी स्कूल में तीन केस ही करवाते हैं, चौथा लिख दोगे तो और भी अच्छा है। केस नंबर चार ये बोलता है, आपने एक बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर जाके नीचे आ गई, तो ऊपर का वर्क डन माइनस एमजीएच, नीचे का प्लस एमजीएच, तो क्लोज्ड पाथ में आंसर क्या आया, जीरो। तो यही बता रहा है, सपोज अ बॉडी इज थ्रोन अप, व्हेन इट मूव्स अप, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नेगेटिव वर्क डन एंड डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी, और जब बॉल नीचे आएगी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है पॉजिटिव वर्क डन करेगा और वेलोसिटी को एनर्जी को बढ़ाएगा, तो उस केस में आपकी जो जो वैल्यू है किसकी, टोटल जो वर्क डन आएगा वो इन द एंड क्या आएगा, जीरो, जीरो। तो जब क्लोज्ड पाथ में, किसी भी क्लोज्ड पाथ में वर्क डन नेट जीरो आता है, तो गारंटेड फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव। यही एग्जांपल अकेला बहुत है बताने के लिए कि फोर्स कंजर्वेटिव है, पर चलो तीन नंबर भी लेने हैं तो दो केस, तीन केस पहले भी करना, तो चार केस ये कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? ऐसा आता है स्कूल का पेपर, ऐसा कॉम्पिटिशन में पूछ लेते हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में, बताऊंगा भी कैसा आएगा, ठीक। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऑब्जेक्टिव करने भी ईजी हो जाएंगे कुछ दिनों में, नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल पोर्शन ही चलेगा सारा। नहीं, अगेंस्ट कंजर्वेटिव कर रहे हैं, अगेंस्ट कंजर्वेटिव, हम वर्क डन निकाल रहे हैं अगेंस्ट कंजर्वेटिव। हाँ
हाँ, तो जो भी मैंने फोर्स लगाई वो अगेंस्ट कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ। अच्छा आप ऐसा कर लो, आपको नहीं तसल्ली होती है, काम कर लो, आप हर जगह माइनस लगा लेना, क्या करें, ग्रेविटी लेनी है ना, तो हर जगह माइनस एम जी एच करते जाना ना, जहां मैंने फोर्स एम जी पुट की वहां माइनस एम जी पुट कर दो, ठीक है, ग्रेविटी का वर्कडन निकाल दिया आपने, एक ही बात हो गई, मेरे से ऑपोजिट आएगा, ठीक। पर वैसे अगर मैं भी वर्कडन करता हूँ ना एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन इन कंजर्वेटिव, क्योंकि मैं अगेंस्ट कंजर्वेटिव, समझते हो, कंजर्वेटिव चाहती है कि नीचे आए पर मैं ऑपोजिट जा रहा हूँ, तो उन फील्ड के अंदर वर्कडन इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करता है, चल जाता है। वैसे ग्रेविटी की होनी चाहिए, हम कुछ नहीं बोलते उसके बारे में। नॉन कंजर्वेटिव देखो, अच्छा मिसप्रिंटिंग है, कोई बात नहीं, अभी जाते हो शीट चेंज कर लेना, और किसी का ये पेज मिसप्रिंट तो नहीं है वाला, आपका भी है, दो कॉपी लेके आना चेंज करके, इसकी दो कॉपी ले आना,
देखो देखो नेक्स्ट देखो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ध्यान आगे प्लीज, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे फ्रिक्शन की फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव। और इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में राउंड द पाथ एक ब्लॉक को एक पॉइंट से उठा के उसी पॉइंट पर वापस लेके आएंगे तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन जीरो नहीं आएगा। कंजर्वेटिव में जीरो आएगा, नॉन कंजर्वेटिव में जीरो नहीं आएगा। ठीक है यहां तक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू कंजर्वेटिव फोर्स, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये स्टेप्स, आपको ये स्टेप्स याद नहीं करने हैं, आपको स्टेप्स को लिखवा के नहीं देखेगा, एक आगे दे देना प्लीज, स्टेप्स को लिखवा के नहीं देखेगा, आपको एंड के रिजल्ट समझ में आने चाहिए कि कैसे आए। तो जहां जहां मैं करूंगा बस वहां वहां पॉइंट टू रिमेंबर कर लेना, बाकी स्टेप्स सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि आपको मतलब घर जाके ये ना लगे कि पता नहीं कैसे फॉर्मूले आ गए, बस इसलिए। तो पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन टू कंजर्वेटिव फोर्स, देखो मान लो एफ ऑफ एक्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। एफ ऑफ एक्स का मतलब है फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, स्पेशली मेडिकल वालों के लिए। जैसे मैं ये बोलता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज एम जी एच, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी बड़ी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर मैं लिखता हूं यू इज इक्वल टू एम जी एच तो भी ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखता हूं यू इज अ फंक्शन ऑफ एच इज एम जी एच तो भी ठीक है। क्यों? तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, यू इज अ फंक्शन ऑफ एच का मतलब जो भी यू का फॉर्मूला बनेगा वो एच के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो जो भी यू का फॉर्मूला होगा वो एच पे डिपेंडेंट, तो मतलब ब्रैकेट में एच को बोला जाता है इज अ फंक्शन ऑफ एच। ये मेडिकल वालों के लिए बता रहा हूं, ये नॉन मेडिकल वालों को फंक्शन रिलेशंस करवाए जाते हैं उनको पता होता है कैसे होता है। तो यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब आप मत लिखो ब्रैकेट में एक्स तो भी चलेगा, पर नॉर्मली टर्म्स बोलती हैं कि इसमें लिखना चाहिए, तो यू इज अ फंक्शन ऑफ एच ऐसे लिखना है। तो वो कह रहे कि मान लो एफ कोई फोर्स है, आप मत लिखो एक्स, कोई दिक्कत नहीं, एफ के ब्रैकेट में एक्स का मतलब एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है वो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट होगी। That does W work on the particle. तो इसने फोर्स ने W work done किया पार्टिकल के ऊपर। तो डेल्टा U क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बाय डेफिनेशन, प्लीज ये डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। तो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमें ये बताती है, डेल्टा U that is change in potential energy is always equal to negative of work done. तो ये माइनस साइन के साथ चलता है, जबकि वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती थी कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, डेल्टा के का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसमें माइनस साइन नहीं आता था, पोटेंशियल में माइनस साइन आता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि अगर आप एक वर्क डन करते हो किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंकने का, तो पोटेंशियल बढ़ती जा रही है तो काइनेटिक कम होती जा रही है, एक में पॉजिटिव आएगा एक में नेगेटिव पक्का आएगा। आप खुद सोचो अगर एक का चेंज पॉजिटिव है तो दूसरे का चेंज नेगेटिव है, क्योंकि अगर मान लो टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रखना है तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक पक्का कम हो रही है, और नीचे आते हुए अगर काइनेटिक बढ़ रही है तो पोटेंशियल कम हो रही है, तो इसलिए साइन नेगेटिव पक्का आता है। राइट, हमेशा आएगा। ठीक, डेफिनेशन है, डेफिनेशन का मतलब कि पक्का ये टेस्टेड है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये वर्क डन कौन करेगा? कंजर्वेटिव फोर्स करेगी। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू,
डेल्टा यू क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल इज माइनस डब्ल्यू. लेकिन वर्क डन कैसे निकलता है? वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, जैसे सपोज करो मैं यहां से यहां आ रहा हूं और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है और फोर्स f है, तो पहले स्मॉल वर्क डन निकलता है कितना? f into dx. टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करनी पड़ती है? इंटीग्रेशन. तो ये रूल है, जस्ट एक फॉर्मूला है. तो इंटीग्रेशन से टोटल वर्क डन निकलते हैं. तो आप चेक कर सकते हो f इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब f इज नॉट कॉन्स्टेंट, f डिपेंड्स अपॉन x, f इज अ वेरिएबल. और लास्ट टाइम डिस्कस किया था वेरिएबल फोर्स में वर्क डन कैसे निकलता है? बाय इंटीग्रेशन. तो आप अकेला f लिख लो तो भी चलेगा, f dx की इंटीग्रेशन, या f इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब इट कैन बी अ वेरिएबल फोर्स. तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है. इस वर्क डन के फॉर्मूले को आप यहां पुट कर दो तो डेल्टा u क्या बनेगा? डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f dx, x नहीं लिखो तो भी चलेगा, फ्रॉम x साइड टू x साइड. आपने ये डेफिनेशन है, प्लीज ये आने वाले टाइम में टेस्ट हो जाएगी अपने आप और मैं आपको बता भी दूंगा ये कैसे ट्रू है. तो इसको टिक मार्क करो और एक इसको टिक मार्क करो बस, बाकी और कुछ नहीं चाहिए. बस बॉक्स में बना ही दिया वैसे तो मैंने, जो आपको चाहिए होगा वो मैंने बना दिया आपको. तो ये दो फॉर्मूलाज मुझे चाहिए होंगे, राइट. आगे डेल्टा यू का फॉर्मूला मैंने आपको बना के दिया, क्या? माइनस एफ डी एक्स एक्स आई से एक्स एफ. अब इस इधर ध्यान से देख लो, ये स्टेप्स भी आपको चाहिए नहीं होंगे, आपको ये फॉर्मूला चाहिए. पर ये कैसे बनता है इसको ध्यान से देख लो. आप दोनों साइड्स को ना डिफरेंशिएट कर दो, ध्यान से दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहां पर क्या आएगा? d बाई डी एक्स. यहां पर क्या आएगा? d बाई डी एक्स. आप कहोगे ये क्या d बाई डी एक्स की क्या है, इसका थोड़ी ना होगा. इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो बन गया du बाई डी एक्स. यू इज अ फंक्शन ऑफ x, मत लिखो x, कोई बात नहीं. तो ये तो du बाई डी एक्स बन गया. अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, पर इसकी तो इंटीग्रेशन भी हो रही है. इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स हैं. तो अगर आप एक टर्म को डिफरेंशिएट करते हो और फिर उसकी इंटीग्रेशन करते हो तो आंसर तो वही आ जाएगा. तो यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ क्या बच जाएगा? f ऑफ x विद माइनस एंड दैट्स इट. बाकी उड़ा दो, बस ये बच गया. क्लियर यहां तक? तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे इंटीग्रेशन का अफेक्ट सारा कैंसल होगा. ये मैथ्स में कैलकुलस वाले टीचर्स करवाएंगे, मैथ्स के टीचर. तो वैसे बता रहा हूं मैं कि जब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे आपके पास ये रिजल्ट आएगा. आपको ये कोई किसी ने कुछ नहीं पूछना, ये फॉर्मूला नोट करो कि जो फोर्स एफ है, एफ मतलब एफ ऑफ एक्स लिख लो या एफ लिख लो, एक ही बात है. ये किसके इक्वल होता है? माइनस डी यू बाय डी एक्स. लेकिन याद रहे ये डेफिनेशन वैलिड कब थी? जब फोर्स क्या थी? कंजर्वेटिव. कुछ नहीं याद करना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इसके ऊपर पक्का न्यूमेरिकल आएगा कॉम्पिटिशन में और स्कूल में भी आ सकता है. एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स. मतलब कि अगर आपको फॉर्मूला पूछा जाए कि कंजर्वेटिव फोर्स है एफ, कोई भी ग्रेविटी की फोर्स या कुछ भी एफ, और यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स का आपस में क्या रिलेशन है? आपने बोला है एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स, राइट. इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट. यानी कि डेरिवेटिव ऑफ यू बोल दे. डेरिवेटिव का मतलब कि हमने डिफ्रेंसिएशन किया है किसकी? यू की. मैथ्स में सिखाया जाता है कि अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो एनर्जी की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टाइम नहीं एक्स, तो इसको ग्रेडियंट बोला जाता है. ग्रेडियंट का मतलब किसी भी चीज की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वो ग्रेडियंट हो जाता है. ग्रेडियंट का मतलब, तो पोटेंशियल एनर्जी यू मे बी डिफाइंड एज ए फंक्शन. यू एक ऐसी चीज है हूज नेगेटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव डिफरेंशिएशन. ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. तो नेगेटिव ग्रेडियंट गिव्स दी कंजर्वेटिव फोर्स, या उल्टा बोल लो कि कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी. ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी का मतलब डी बाय डी एक्स ऑफ यू. तो ये डेफिनेशन है, आपको सिर्फ डेफिनेशन ये आनी चाहिए और कैसे बनी ये आपको अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है. तो ये फॉर्मूला याद हो गया, बस ये देख लो. न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके ऊपर, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. क्लियर है? तो जो थ्योरी करवाई सारी वो टेक्निकली आपको अगर लिखनी नहीं आ रही कोई टेंशन नहीं है, पर आपको टर्म समझ में आनी चाहिए. कल को वो क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछे तो एटलीस्ट हमें समझ में आए कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. ठीक, हमें ऐसा लगे कि पता नहीं क्या बोली जा रहा है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव और माइनस एफ डी एक्स डेल्टा यू, समझ में नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट आपको समझ में आएगा, राइट. बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस
क्वेश्चन इसके ज्यादा इजी हैं, मजे की बात ये है थ्योरी मुश्किल है, न्यूमेरिकल इजी है, तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको बहुत इजी लगेंगे, और बिलीव में सिर्फ कैलकुलस के ऊपर बेस्ड है। यू आपको गिवन होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन कहेगा फोर्स निकाल लो, यू को पुट करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, डिफ्रेंशिएट करो, फोर्स आ गई। न्यूमेरिकल बहुत इजी है इसका, बोलो। वो ये बता रहा है फोर्स का और एनर्जी का रिलेशन है, अभी आएगा दिखा रहा हूं, ये देख अब समझ में आएगा, अब समझ में। इस फॉर्मूले को यूज करके दिखाता हूं, देखो ये फॉर्मूला हमने कर लिया, इसको यूज कैसे करना है इसको ध्यान से देखना। प्रूव एनालिटिकली, मैथमेटिकली प्रूव करो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। आपने अभी तो किया वो ब्लॉक को केस नंबर 1, 2, 3, आप स्कूल में आएगा वही करके आना, लेकिन इसने पूछा कि वो फॉर्मूला यूज कैसे करना है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी हाइट h पर क्या होती है, mgh, तो यानी कि एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ h लिखा जा सकता है mgh, u आ गया। तो अगर मैं इसका नेगेटिव ग्रेडियंट लूं, एनर्जी का नेगेटिव ग्रेडियंट को कैसे लिखते हैं, माइनस d बाई डी एक्स, पर यहां x नहीं है यहां पर h है, तो d बाई डी एच। तो जब मैंने u को पुट किया mgh, m और g कॉन्स्टेंट है, dh बाई डी एच क्या है 1, तो ये फोर्स किसकी आ गई, ग्रेविटी की, चेक करो, और ग्रेविटी की फोर्सेस कंजर्वेटिव, ऑटोमेटिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस बाहर आ गई। तो देखो ये रिजल्ट आप इसका मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि इस रिजल्ट में जब आप एनर्जी पुट करते हो तो फोर्स की वैल्यू किसके साथ मैच करती है, कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है एनर्जी का और फोर्स का इन केस ऑफ व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्सेस। वैसे ये फॉर्मूला ये नहीं है, वैसे ये कहां से बन के आया है, यहां से आया है, एक्चुअल में तो ये डेफिनेशन है, पर इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करके वो फॉर्मूला हमने तैयार किया है, ठीक, एक्चुअल में ये चीज चल रही है पर हम यूज उसको किसी और तरीके से करते हैं, ठीक। बाकी अभी कुछ दिनों में जब यूज न्यूमेरिकल का जब करवाऊंगा ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा, चिंता ना करो, न्यूमेरिकल में सब क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी ले सकता हूं, अगर जैसे सपोज करो मैं एक ऐसे फील्ड में चला गया कंजर्वेटिव, ध्यान आगे, मैं एक ऐसे फील्ड में चला गया जहां पर एनर्जी यू, यहां पर एनर्जी यू माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर के इक्वल थी, मतलब कि एक दो मासेस थे, मान लो एक अर्थ है और एक वो एप्पल है, अर्थ और एप्पल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल थी, मैंने कुछ भी बना दिया फॉर्मूला इतनी थी, ठीक है, अपने का होगी आप कह रहे हो तो ठीक है ले लिया, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि एनर्जी आर के ऊपर डिपेंडेंट है, आर अगर चेंज होगा तो एनर्जी भी चेंज होती है, यानी कि एनर्जी हर पॉइंट पर सेम नहीं है, तो आर का मतलब दो मासेस के बीच में डिस्टेंस, अगर दो मास में डिस्टेंस चेंज होगा तो एनर्जी भी चेंज होगी, ठीक है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ इनमें फोर्स क्या होगी दो मासेस में, आपको एनर्जी से फोर्स, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि इट इज अ कंजर्वेटिव, ये क्वेश्चन कंजर्वेटिव सिस्टम का है, तो आपको याद आया कि हाँ मैंने कुछ बताया तो था कि कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिखेंगे इसमें, माइनस डी यू बाय, अब आर, आर वेरिएबल है, तो एक काम करते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी आर ऑफ यू, यू बोलो किसके इक्वल है, माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय कितना आर, इसके इक्वल है, तो यहां से फोर्स विल बी इक्वल टू प्लस डी बाई डी आर ऑफ आर इज टू पावर माइनस वन कर लें, आर इज टू पावर माइनस वन कर लें, ठीक। तो कॉमन क्या आ गया, जी इंटू एम वन इंटू एम टू कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस जी एम वन इंटू एम टू, सॉरी जी एम वन एम टू माइनस वन इंटू आर इज टू पावर माइनस टू, डिफ्रेंसिएशन ऐसी होती है ना, तो यहां से सॉल्व किया तो क्या आया, माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, देखा लगता है न्यूटन का लॉ, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, कंजर्वेटिव फोर्स आ गई। देखो मतलब कॉम्प्लेक्स है, मैं मानता हूं फर्स्ट टाइम करने वाले को तो कुछ दिन समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या है, लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी और एग्जाम्पल्स में ये फॉर्मूले फिट होते जाएंगे वो अपने आप चीजें और क्लियर होती जाएंगी कि हम एनर्जी से फोर्स को निकाल सकते हैं बाय डेरिवेटिव। ये कमाल का जो है रिलेशन बनाया बनाने वाले ने,
और इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, बोलो। मैंने बोला ही नहीं, मैंने आपको बोला इस क्वेश्चन के आगे गिवन सिस्टम इज कंजर्वेटिव तो ही ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो लगेगा ही नहीं। अच्छा, क्योंकि मैं अब ये बताने वाला हूं कि ये फॉर्मूला कंजर्वेटिव में लगेगा, नॉन कंजर्वेटिव में नहीं लगेगा, दोनों के इकट्ठे चल रहे हैं। एक फॉर्मूला करते हैं, पहले कंजर्वेटिव फिर नॉन कंजर्वेटिव, ऐसे। ठीक, जैसे एक टॉपिक खत्म होता है फॉर कंजर्वेटिव नॉन, जैसे वर्क डन जीरो होता है कंजर्वेटिव के लिए होता है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होता, ऐसे चल रहा है। चलो आगे चलो, दिखाता हूं कैसे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो लास्ट टॉपिक है। मैं ना रोज रोज ऐसे लेक्चर देना पसंद नहीं करता, रोज रोज नहीं, एक ही दिन चलेगा इकट्ठा जो चलेगा, लोग सो जाएंगे यार, कुछ इंटरेस्टिंग चलेगा तभी लोग जागेंगे, कुछ लगा के दिखाएंगे, कुछ एप्पल गिरेगा, कोई इंक्लाइंड प्लेन होगा, तब तो मजा भी आएगा। तो अगली बार न्यूमेरिकल होगा, बट रोज नहीं, इसको आज क्लोज करना है अभी। प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, सुना होगा, यही है ना। और मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, सुना हुआ है। अब पूरी स्टेटमेंट सुन लो, ये तभी वैलिड है अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव है। अब याद करो, हमने सर्कुलर मोशन पूरा कर दिया, घुमाया बाल्टी को ऊपर नीचे, कहा वन पॉइंट पे टू पॉइंट पर एनर्जी कॉन्स्टेंट है। भाई क्यों कॉन्स्टेंट है? क्योंकि हम काम कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव। आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट करके देखो, टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट आएगी नहीं, फ्रिक्शन खराब कर देगा आपकी एनर्जी को। क्लियर है यहां तक? तो मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट तभी वैलिड है, अंडरलाइन करो, इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्सेज आर डूइंग वर्क ऑन द बॉडी। जैसे ग्रेविटी की अगर फोर्स वर्क डन करेगी तो टोटल एनर्जी दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन कॉन्स्टेंट। क्लियर यहां तक? तो आपको अगर प्रूफ करना है इस तरीके से कि टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है, तो दो लाइन में हो जाएगा प्रूफ। मान लो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है, अगर आपने फोर्स एफ लगाई एंड एफ कंजर्वेटिव है लेट अस सपोज, तो डेफिनेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू एफ इनटू डीएक्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है। और आज की पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या बोलती है? कि डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एफ इनटू डीएक्स। काइनेटिक एनर्जी में पॉजिटिव आता है, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में टर्म पॉजिटिव आती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में टर्म नेगेटिव आती है हमेशा, ये डेफिनेशन है। क्लियर है यहां तक? तो मैंने दोनों डेफिनेशन लिख दी। ये कहां से आई डेफिनेशन? फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? कि अगर हम जो भी वर्क डन करते हैं, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी वर्क डन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलती है? दिस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी एक्स। एक काम करते हैं, इस टर्म की वैल्यू डेल्टा के रिप्लेस कर दो, इसकी जगह डेल्टा के। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा के, या डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा के का मतलब फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, डेल्टा यू का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। एक काम करो, फाइनल फाइनल वाली टर्म इस तरफ, इनिशियल इनिशियल वाली टर्म इस तरफ, तो चेक करो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम हमेशा क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। तो प्रूव हो गया ना एनर्जी कंजर्वेशन, और ये डेफिनेशन भी प्रूव हो गई कि डेफिनेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है, तभी तो आंसर आया। ठीक है यहां तक? तो इसको मार्क कर सकते हो, अगर एनर्जी कॉन्स्टेंट प्रूव करना है तो की जा सकती है। वैसे इसका अलग सब्स्टिट्यूट भी है, इसका एक आसान तरीका भी है मेरे पास, वही ब्लॉक को नीचे गिर देंगे जो हमने क्लास में पहले किया था, और टोटल एनर्जी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कॉन्स्टेंट कर देंगे। तो दो तरीके हैं, और अभी के लिए इसको क्लोज करते हैं। और ये समरी है इसकी, ये फॉर्मूला याद करना है, वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी में माइनस आएगा, काइनेटिक में पॉजिटिव आएगा, क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव में नेट वर्क डन जीरो होता है, एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट। क्लियर है यहां तक? तो इस असाइनमेंट में करने वाला क्या था? दो फॉर्मूले। तो इस असाइनमेंट में करने वाला एक तो ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, ये फॉर्मूले हैं, और एक ये फॉर्मूला है, बस, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना आपने, बस यही टिक मार्क करने हैं। ठीक, यूज कैसे करना है जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, अपने आप समझा दूंगा कि कैसे यूज होगा ये सारा। क्लियर है?
ठीक है, इस वहम में भी मत रहना कि सारी वर्क एनर्जी पार ऐसी है या सारी फिजिक्स ऐसी है, एक ही लेक्चर ऐसा है, इससे आसान है, इजी है, प्रैक्टिकल है, जैसे पहले चल रही थी वैसी ही है, एक्सेप्ट एनर्जी।